दिल से दिवाली पर्यावरण विभाग की यह नई मुहिम है जिसे सोशल साइट के जरिए पॉपुलर बनाने की कमान खुद पर्यावरण सचिव संभाल रहे हैं। इस पेज को चाहने वालों की संख्या 21,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस पेज पर इको फ्रेंडली दिवाली मनाने से लेकर पटाखों से होने वाले नुकसान की जानकारी पर्यावरण विभाग मुहैया करा रहा है। दिवाली जो था वो जो त्यौहार है वो तो रोशनी का त्यौहार है। अनफॉर्चुनेटली बीच में ये पटाखों का के साथ इसको जोड़ा गया और इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट अब सारे सिटीज़ में स्पेशली दिखाई देना शुरू हो गया है कि दिवाली के इमीडिएटली बाद अगले दिन या उसके 10-15 दिन बाद तक जो सिटी का एयर क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि लोगों को सारे सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लेकिन सरकार जानती है कि महज सोशल साइट के जरिए दिवाली में पटाखों की गूंज को कम नहीं किया जा सकता, लिहाजा प्रदूषण मुक्त दिवाली की योजना को सफल बनाने के लिए छात्रों और युवाओं के बीच नो टू क्रैकर्स की मुहिम चलाई जा रही है। बच्चों को ये बताया जाए कि पटाखों से कितनी दुर्घटनाएं होती है, कितना सिटी को घाटा है, कितना वातावरण प्रदूषित होता है और स्पेशली जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके लिए हम सारे स्कूल्स में जा रहे हैं। पटाखों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सेहत पर भी भारी पड़ता है और वैसे लोगों की जान सांसत में होती है जो नौनिहाल हैं या फिर दिल या सांस के मरीज हैं। दिवाली रोशनी का पर्व है, अंधेरे पर उजाले की जीत का उत्सव है, लेकिन जब दिवाली पटाखों से मनती है तो कई घरों में चिराग सदा सदा के लिए बुझ जाते हैं। ऐसे में इस बार दिवाली दिल से मनाइए और इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि जब तक इस मुहिम का साथ आम आदमी नहीं देगा तब तक इस मुहिम की सफलता शायद ही सुनिश्चित हो पाए। कैमरन पर्वत के साथ मौद्रेंद्र कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली।